नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम धनतेरस के मौके पे एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी घर पे लेके आए हैं। ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी जो है ईराइज कंपनी की है, जिसकी जो कंपनी है वो रोहतक के अंदर है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिकल स्कूटी को हम ऑन रोड चला कर ये दिखाएंगे कि कितना स्पीड ये पकड़ पाती है रोड के ऊपर, और खड़े खड़े में भी आपको इसको ड्राइव करके दिखाएंगे कितना स्पीड ये मीटर के अंदर शो करती है। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसका पीछे का जो व्हील है और आगे का व्हील है, दोनों 12 इंची व्हील हैं और पीछे ड्रम ब्रेक है। 250 वोल्ट की पीछे मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल मोटर, और आगे वाला जो व्हील है उसके ऊपर जो ब्रेक है वो है डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। दोनों टायर ट्यूबलेस टायर हैं आगे और पीछे, और ईराइज कंपनी का स्कूटर है, इलेक्ट्रिकल स्कूटर, और E5 प्रो इसका वर्जन है। E5 प्रो 12 इंच के टायर हैं दोनों के दोनों। ये लेडीज़ के लिए साइड स्टैंड है, दोनों साइड मडगार्ड लगे हुए हैं। सीट कवर भी बहुत अच्छा है और बॉडी भी सही बॉडी है इसकी, ज़्यादा हल्की बॉडी नहीं है। ये इसका रिमोट आता है, लॉक अनलॉक की है, चाइल्ड लॉक वगैरह इसके अंदर आते हैं, तीन ऑप्शन आते हैं, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक और लाइट। इसके बाद हम इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तीन मोड में इसके गियर आते हैं, 1, 2, 3। फर्स्ट गियर के अंदर ये 25 किलोमीटर की स्पीड, सेकंड गियर में 40 किलोमीटर और थर्ड गियर में 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रोड पे चल पड़ती है। इसका स्पीड टेस्ट भी करके देखा है हमने, लास्ट में वो आपको दिखाएंगे। लेफ्ट साइड में हॉर्न है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर हैं और डिपर। अभी एक बार की हम लगा देते हैं और चेक करते हैं डिस्प्ले पे। ये इसका पार्किंग मोड ऑन है, जैसे ही हम राइट ब्रेक को दबाएंगे पार्किंग मोड ओपन हो जाएगा, मतलब आपकी गाड़ी चलने के लिए रेडी है। ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर बदली करते हैं तो यहाँ पे गियर शो करता है, थर्ड गियर है, अभी फर्स्ट गियर है। फर्स्ट गियर में 25 की स्पीड में, सेकंड गियर में 40 की स्पीड में और थर्ड गियर में 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। दो आदमी बैठने के बाद 48-49 किलोमीटर की स्पीड में आराम से रोड के ऊपर चलती है, देख सकते हैं आप। अलग अलग गियर चेंज कर करके ये कितना स्पीड पकड़ती है, और लास्ट थर्ड गियर के अंदर ये फिफ्टी टू की स्पीड में चलती है। गाड़ी के साथ क्या क्या मिला है, एक चार्जर है वो भी आपको हम दिखाएंगे, जो कि 415 वोल्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो उसको हम सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है। और बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है इसका, सामान रखने के लिए यहाँ पे जगह बहुत है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टायर 12 इंच के टायर हैं। और ये कवर देख सकते हैं, सीट कवर बहुत अच्छा लगा सीट कवर मुझे। ये एक CB दिया है इसमें, जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये इसके बीच में नीचे स्पेस है और इसके नीचे ही बैटरी रखी जाती हैं। 7 बैटरी हैं 72 वोल्ट की, 6 बैटरी हैं 72 वोल्ट की, 12 वोल्ट की एक बैटरी आती है, 12×6=72 वोल्ट टोटल होते हैं। और चार्जिंग टाइम, ये सारी की सारी बैटरी हैं जो हैं लेड एसिड बैटरी हैं, और ये चार्जिंग टाइम है इनका 6-7 घंटे का फुल। एक बार चार्ज करने के बाद 60 किलोमीटर की रेंज दिखाती है कंपनी। ये है इलेक्ट्रिकल स्कूटर, ये साइड स्टेप हैं,
ये कुछ हैंग करने के लिए, कुछ सामान वगैरह हैंग करने के लिए, और यहाँ कुछ मोबाइल वगैरह कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए भी इसके लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस है। और जो बॉडी है इसकी और प्लास्टिक जो है अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, हैवी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। तो देखने में बहुत अच्छा लगा स्कूटर हमें, इसलिए हमने पसंद कर लिया और हम इसको परचेज करके लेके आ गए। तो ये है वो इलेक्ट्रिकल स्कूटर, हेडलाइट। अभी इसको रोड के ऊपर एक बार रिव्यू करते हैं इसका, कि कितना किलोमीटर की स्पीड ये पकड़ पाता है। तो थर्ड गियर में हमने डाल दिया इसको और ये देख सकते हैं आप किलोमीटर इसके बढ़ रहे हैं, 39, 40, 42, 46, 47, 52 की स्पीड तक ये स्पीड पकड़ चुका है। 52 की स्पीड तक लास्ट ये 52 ही, खड़े खड़े भी ये 52 ही शो कर रहा था, और रोड के ऊपर भी 52 की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है इसको चलने में, बढ़िया 52 की स्पीड पकड़ रहा है। एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद 60 किलोमीटर आराम से निकाल देगा। और कंपनी ने बैटरी की वारंटी दिया है 1 साल, मोटर का 1 साल का वारंटी दिया है। इसके साथ साथ अगर बैटरी फूल जाएगी तो 6 महीने का उसका भी वारंटी है, बैटरी 6 महीने के अंदर फूल जाती है तो। और मेंटेनेंस के लिए हमने पूछा था तो मेंटेनेंस के बोला आप कॉल करना, बस 1 घंटे के अंदर आपके पास मिस्त्री प्रोवाइड हो जाएगा आपके घर पर ही। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अब देखते हैं ये कितना कारगर है, कितना चल पाता है, और इसका मैं और वीडियो बना करके इसका रिव्यू करता रहूँगा 2-3 महीने के बाद, कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इसका रेट बता दूं, ये मुझे पड़ा है 56,000 रुपये में ईराइज़ का, महेंद्रगढ़ से मैंने लिया है इसको, ईराइज़ का एक शोरूम है वहाँ से 56,000 रुपये में मुझे ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर पड़ा है। 72 वोल्ट बैटरी है इसमें, 12 वोल्ट की एक बैटरी, और इसके बाद मैं एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं इसका चार्जिंग दिखाऊंगा कि ये क्या सोलर से चार्ज हो सकता है। मेरे घर में 2.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो उससे मैं चार्ज करके देखूंगा कि कितना वोट से ये चार्ज होता है और दिन भर में कितना टाइम लेता है ये चार्ज करने में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।